कहीं ना कहीं प्रबंधन में कमी रह गई, यह मुझे साफ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता निर्दलीय खड़े हुए, यह बात हम उन्हें समझा नहीं पाए। यह प्रबंधन की ही कमी है। यह बात भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश के झाबुआ विस चुनाव को लेकर चर्चा के दौरान कही। झाबुआ उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है। पिछली बार भी कांग्रेस के एक निर्दलीय के खड़े हो जाने से हम यह सीट जीतते थे। विजयवर्गीय ने कहा कि महाराष्ट्र में हमें अच्छी सफलता मिली है, हरियाणा में हमें अनुकूल वातावरण दिखाई नहीं दिया, लेकिन हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ उपचुनाव को लेकर बोले कि झाबुआ सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है, सरकार ने सारे हथकंडे अपनाए हैं। पिछली बार भी हम वहां एक निर्दलीय के खड़े होने से जीतते थे। उपचुनाव पूरी तरह से लोकल मुद्दों पर होता है। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनाने के बाद किसानों के पास पैसा नहीं पहुंचा, यह सरकार पूरी तरह से फेल है। पावर कट पूरे प्रदेश में है, लोगों के जनरेटर वापस बाहर निकल आए हैं। और वही बिजली नहीं थी। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से राजनीति में आए तब से मध्य प्रदेश के हर चुनाव में ऑलमोस्ट वो रहे, इस चुनाव में नहीं रहा दिखे, तो क्या लगता है उनकी, दिग्विजय सिंह कमलनाथ की जोड़ी ने उनकी अनिवार्यता को खत्म कर रहे हैं प्रदेश में, या किस प्रकार से उनका राजनीतिक भविष्य प्रदेश को लेकर, अध्यक्ष का पद तो अभी तक मिला नहीं? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो मीडिया में पढ़ता रहता हूँ कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों मिलकर उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी को कमलनाथ जी ने हराया, और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने मिलकर सिंधिया जी को हराया, ऐसा आप लोग ही जो लिखते हैं वो मैं सुनता रहता हूँ। तो कांग्रेस में क्या क्या चल रहा है मुझसे ज्यादा आप लोगों को मालूम है। सिंधिया जी का प्रदेश में राहुल गांधी के जब से इस्तीफा देने के बाद से लगता है कांग्रेस में थोड़ा सुधार आया, उसका थोड़ा परिणाम दिख रहा है हरियाणा वगैरह में। राहुल गांधी दूर प्रचार तो कहीं नहीं किया इन्होंने। राहुल जी के प्रचार में नहीं जाने से कांग्रेस को लाभ हुआ, ऐसा आपका कहना है? ये तो कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए कि क्यों आपका विश्लेषण क्या किया। आपने 15 साल तक आपने हरियाणा की कमान संभाली, आपने वहाँ पे जीत का भी रास्ता खोला। अभी आप कहीं ना कहीं एक्टिव इतने नहीं थे, लेकिन अब जो है, अब जो पिछली बढ़त थी उससे तो बहुत नीचे गिर गया है, क्या लगता है अभी हरियाणा में स्पेशली? हरियाणा में कह रहा हूँ ना कि चुनाव प्रबंधन में कहीं ना कहीं कमी रही है।